में देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ होती है, हमारे शरीर के अंदर से। ये फैलता किसकी वजह से है? एक मच्छर, डॉट डॉट डॉट, मादा है, पता तो लोगों को बहुत खतरनाक होती है। मलेरिया फैलाने वाले वाहक का नाम क्या है? प्रोटोजोआ। कौन सा है? वाहक नहीं है प्रोटोजोआ, क्या वो प्लाज्मोडियम क्या है? एक कृमि है जो किसमें आता है? प्रोटोजोआ में, ठीक है। अब इसके वाहक का काम कौन करता है? मादा एनोफिल। तुम्हारे मुंह में छेद नहीं है क्या? एनोफिलीज, ठीक है। ये क्या करेगी, ध्यान रखना, सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर की आरबीसी में, ठीक है। देखो ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में जो आपकी आरबीसी में उपस्थित होता है द्रिनक, या उसे बोलते हैं साइजोन। इतना डिटेल में मत जाओ, क्या बोली जाती है यह वस्तु? साइजोन। साइजोन कब बोली जाएगी? यकृत में अथवा आरबीसी की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? दिखाई तो दे रहा है ना तनिषा, कैसी हो जाती हैं? गोलाकार। तब इस अवस्था को क्या बोला जाता है? साइजोन, ठीक है। और ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? मीरोजॉइट। अच्छा एक मिनट, ये जब आपस में विभाजित होंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर लिखो साइजोन, स्पोरोजॉइट। साइजोन विभाजित होकर क्या, यहाँ से समझना, विभाजित होकर क्या बनाएगा? मीरोजॉइट। ठीक है, और ये मीरोजॉइट मच्छर, अब ये हमारे कहाँ आ गए? यकृत और आरबीसी में। यकृत में वो विघटित हुई और फिर किस में आ गए? आरबीसी में। आरबीसी में इनका गुणन होगा तो क्या बनेगा? मीरोजॉइट। अब मीरोजॉइट को ही कौन लेता है? मच्छर। जब ये हमारा खून चूसता है, कौन? एक मच्छर। मैं ये लिख रही हूँ, ये बहुत सारे मच्छर हो सकते हैं, ठीक है। तो मच्छर जब हमारा खून चूसता है तो ये मीरोजॉइट कहाँ चली जाती है? मच्छर में, ठीक है। और मच्छर में जाके वहाँ पे क्या करती है? जब ये मच्छर में जाती है तो वहाँ पे इसका क्या होता है? मीरोजॉइट का गुणन, ठीक है। मच्छर का गुणन नहीं होता, किसका होता है? मीरोजॉइट का, ठीक है। मीरोजॉइट कहाँ जाएगी? मच्छर में। मच्छर में मीरोजॉइट का क्या होगा? गुणन। और गुणन होकर ये जब संतति उत्पन्न करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट, ठीक है। तो इससे जो निकलेगा, इससे जो पदार्थ बनेगा या संतति बनेगी वो आपका क्या कहलाएगा? स्पोरोजॉइट। जॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट ही उसमें मच्छर के लार में आ जाता है और लार के थ्रू फिर कहाँ आएगा? जब वो दोबारा से किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वहाँ पे कौन सी अवस्था आएगी आपकी? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा दोबारा से, कहाँ पे? आरबीसी में। और यही स्पोरोजॉइट ये कहाँ प्रवेश करेगा? मनुष्य की आरबीसी में, ठीक है। किसके द्वारा स्पोरोजॉइट कहाँ बना? किसमें बना? मच्छर में। ये किसमें बना? मच्छर में। और स्पोरोजॉइट मच्छर के थ्रू ही कहाँ आता है? मनुष्य की आरबीसी में। और आरबीसी में बेटा फिर से क्या करेगा? ये गुणन करेगा। तो ये गुणन करेगा तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? यहाँ पे लिख लेना गुणन। और गुणन के थ्रू फिर क्या बनाएगा? क्रिप्टो जॉइट। और ये फिर से विभाजित होंगी क्रिप्टोजॉइट, और विभाजित होकर क्या बनाएंगे? मेटा क्रिप्टो जॉइट। समझ में आ रही है बात? मेटा क्रिप्टो जॉइट ही जब आरबीसी में विभाजित होगा तो आरबीसी से जब ये निकलेगा उसको तोड़ के तो एक पदार्थ स्रावित करेगा आरबीसी से, उसे हम क्या बोलते हैं?
ज्वाइन, ठीक है। अब देखो ये साइकिल बन गई है, अब आपको इसमें ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बना, मीरोजाइट। मीरोजाइट कहाँ बनता है, यकृत और आरबीसी में। वहां से फिर ये कहाँ जाएगा, यकृत और आरबीसी में क्या बनेगा, मीरोजाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइजोंट अवस्था। अब ये साइजोंट विभाजित होकर क्या बनाएगा, मीरोजाइट। मीरोजाइट मच्छर की कहाँ पहुंचेगी, ओसाइट में, ठीक है। और वहां पे विभाजित होकर मीरोजाइट क्या बनाएगा, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट में फिर से डिवाइडेशन होगा, और नहीं स्पोरोजाइट फिर मच्छर के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, किसी स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है। मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, स्पोरोजाइट वहां पहुंचेगा। अब वहां पे फिर इसमें गुणन होगा, क्या बनेगा, क्रिप्टोजाइट। क्रिप्टोजाइट विभाजित होकर मेटाक्रिप्टोजाइट, और मेटाक्रिप्टोजाइट से ही क्या निकलता है, हीमोजाइन, ठीक है। और हीमोजाइन के कारण ही मलेरिया में हमेशा ठंड देकर बुखार आती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।